हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ विषय के बारे में। और आज की हमारी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति की आज वीडियो नंबर 7 है। आज हम करेंगे प्रश्नमाला 6.1 को, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हैं, दोनों सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हैं, कोस 30 प्लस साइन 60 बटा में दिया हुआ है टोटल के 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इक्वल हमें सिद्ध करना है 1√3/2। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 4 कोट स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस एक्स स्क्वेयर 60 डिग्री और साइन स्क्वेयर 30 डिग्री और इक्वल सिद्ध करना है माइनस का 1/4, यह हमें सिद्ध करना है। डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 से हैं और आपके अन्य मित्र जो क्लास 10 से हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप बता सकते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और 5 बजे डेली प्रतिदिन 5 बजे गणित से संबंधित क्लास 10 के लिए वीडियो देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं देखिए क्लास 10 की यह वीडियो है। प्रश्नमाला 6.1 चल रही है, गणित विषय का है। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न आपके साथ में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोस 30 प्लस साइन 60 बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और बराबर हमें सिद्ध करना है √3/2, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे LHS लेने पर, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो LHS हमारे पास था, देखिए ये LHS है और इधर वाला RHS है, तो LHS ये है, इधर वाला उतार लीजिए। तो LHS उतार लिया, cos 30 प्लस साइन 60 टोटल के बटा में है 1 प्लस cos 60 और प्लस साइन 30। तो हमारे पास मान देखिए क्या क्या हैं। हमारे पास मान हमें जो ज़रूरत है, cos 30 की ज़रूरत है तो cos 30 का मान √3/2, साइन 60 की ज़रूरत है साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान है हमारे पास 1/2। चलिए हम ये मान रख देते हैं, तो मान पुट करें, cos 30 का मान √3/2, अब इसके बाद में सिंबल देखिए क्या है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए। फिर उसके बाद में देखिए साइन 60 का मान √3/2 और उसके बाद में मेन बटा ये लगा लिया। अब एक है तो एक लिख लीजिए, प्लस का निशान है तो प्लस लगाइए, cos 60 का मान 1/2 प्लस लगाइए और साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ तक मान लिख लिए आपने, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। देखिए ऊपर वालों को इनको हल कर लीजिए, ऊपर जो दिया हुआ है मेन बटा से ऊपर वालों को हल कर लीजिए। तो इन दोनों का ऊपर वालों का लघुतम कितना आएगा, 2 आएगा, ये रहा 2 और ऊपर 2 का लघुतम आया तो ये तो सेम ही है। देखो क्योंकि इधर भी दो है तो √3 प्लस √3, ये जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। और यहाँ बटा में जो था, बटा में 1/2 कितना हो गया, आधा और आधा 1, और 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2। देखिए ये हाफ हाफ 1 1 और 1 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ये देखो ये यहाँ पर अपनों ने कर लिया। अब देखिए एक चीज़, एक्स को अगर एक्स में जोड़ेंगे 2x होता है, वाई को वाई में जोड़ें 2y, तो √3 को √3 में जोड़ें 2√3। तो हमारे पास कुछ ये माना गया, √3 को √3 में जोड़ें 2√3 और बटा में 2 पड़ा है और टोटल के बटा में 2 पड़ा है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ क्या बचा √3 और बटा में कितना बचा 2√3/2, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए √3/2, तो लास्ट में आप लिखोगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव LHS बराबर RHS इति सिद्धम, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध करना है हमें। तो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, 4 cot² 45 माइनस sec² 60 माइनस sin² 30 और बराबर में हमें सिद्ध करना है माइनस का 1/4। तो वही सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 4 cot² 45 माइनस sec² 60 माइनस साइन स्क्वेयर 30 डिग्री, यह है हमारा LHS है। इसमें हमारे मान कौन कौन से, देखिए एक तो हमें cot 45 का मान चाहिए, एक sec 60 का और एक साइन 30 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो मान है उनको लिख लेते हैं, cot 45 का मान 1 होता है, sec 60 का मान 2 है और साइन 30 का मान कितना है 1/2। तो ये मान हमारे पास लिख लिए हमने, तो मान पुट कर देते हैं, बराबर का निशान लगाइए, 4 cot 45 का मान कितना है 1 और 1 के ऊपर स्क्वेयर लगा दीजिए, माइनस sec 60 का मान कितना है 2 है, ऊपर स्क्वेयर लगा दीजिए,
माइनस का निशान, नेक्स्ट साइन 30 का मान कितना होता है, एक बटा दो, ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दीजिए, इक्वल का निशान लगाइए, एक की स्क्वेयर करेंगे तो एक, एक को चार से गुणा करेंगे चार, माइनस का सिंबल लगाइए, दो की स्क्वेयर कितना होता है चार, माइनस का सिंबल लगाइए, एक बटा दो की स्क्वेयर करें, एक की स्क्वेयर एक और दो की स्क्वेयर चार। अब इसको सरल कर लो, प्लस का चार माइनस का चार कट गया, किसका बच गया, माइनस का चार, माइनस का एक बटा चार बच गया, माइनस का एक बटा चार, यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। तो हमारा आंसर आ चुका है, तो हम लिख लेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सीधम। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे, आज हमने दो प्रश्न किए हैं, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, प्रश्न माला 6.1 के कक्षा 10 के लिए। तो यदि आप कक्षा 10 से हैं और गणित का पेपर है आपका 30 तारीख को, अगर 30 जून को अगर आपका गणित का एग्ज़ाम है और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है गणित से संबंधित, तो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ जाइए। प्रतिदिन हम 5 PM साई 5 बजे आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जो गणित से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।